दिन हो या रात, खांसी बहुत ही ज्यादा असुविधाजनक होती है। ये ना सिर्फ आपकी दिनचर्या को प्रभावित करती है बल्कि आपकी रात की नींदों को भी खराब कर देती है। यदि आपकी खांसी आना बंद हो जाए और आपको नींद भी आ जाए तो फिर भी गले की खराश का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन खांसी जैसी समस्या को ठीक करने के लिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि आप इस समस्या को ठीक करने के लिए ओवर द काउंटर दवाइयां लेने की सोचें, मेरी ये वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि हर बार की तरह मैं आज भी अपनी इस वीडियो में एक बीमारी के बारे में बात करूंगी, साथ ही साथ उसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में भी बताऊंगी। नमस्कार, मैं अंतिका आचार्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परमानंद आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे खांसी, खांसी के कारण, लक्षण और इसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। खांसी कोई रोग नहीं है, ये आपके गले में हो रही खराश व उत्तेजना की एक प्रतिक्रिया होती है। वास्तविकता ये है कि गले में व सांस की नली के खुलने के लिए खांसी होना काफी ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन हद से ज्यादा खांसी किसी रोग के कारण भी हो सकती है। कहा जाता है कि आपके गले में या ऊपरी हवा मार्ग में यदि कोई रुकावट आ जाए तो आपके मस्तिष्क को लगता है कि ये रुकावट आपके शरीर में उत्पन्न किसी विदेशी तत्व के कारण हो सकती है और उस विदेशी तत्व को निकालने के लिए ही आपको खांसी आती है। अब हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में कि किसी व्यक्ति को खांसी किन किन कारणों से आ सकती है। अक्सर मौसम में परिवर्तन होने के कारण इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। प्रदूषित वातावरण के कारण, ठंडी चीजें खाने से, वात, पित्त, कफ, इन तीनों के बिगड़ने से, कृमियों के कारण भी खांसी जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी खांसी के प्रकारों के बारे में, यानी कि खांसी कितने टाइप की होती है। तीव्र खांसी, जिसे हम अक्यूट खांसी के नाम से भी जानते हैं, ये खांसी आपकी 3 से 4 हफ्ते तक रह सकती है। ये अचानक से ही शुरू होती है। इस खांसी में अधिकतर आपका ऊपरी श्वास मार्ग प्रभावित होता है और इसी को ही हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। उप तीव्र खांसी यानी कि सब अक्यूट का, ये 3 से 8 हफ्ते तक रह सकती है। पुरानी खांसी यानी कि क्रॉनिक कफ, कहा जाता है कि ये समस्या 8 सप्ताह तक ऐसे ही रहती है और ये समस्या एलर्जिक राइनाइटिस के कारण ही उत्पन्न होती है। बलगम वाली खांसी यानी कि प्रोडक्टिव कफ, इस समस्या में आपको खांसी के साथ बलगम आता है। सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ। काली खांसी, जिसे हम कुत्ता खांसी या फिर वूपिंग कफ के नाम से भी जानते हैं। नॉक्टर्नल कफ, ये समस्या सिर्फ रात में ही उत्पन्न होती है, यानी कि इस प्रकार की खांसी आपको सिर्फ रात के दौरान ही आएगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगी इसके लक्षण, जो कि खांसी के दौरान अक्सर एक व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। बुखार, सर दर्द, साइनस दबाव, बहती नाक, गले की खराश, उल्टी, जी मिचलाना, शरीर में दर्द, ठंड लगना, बलगम आना, रात में पसीना आना। अब हम बात करते हैं उन आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जिसका इस्तेमाल कर कफ जैसी समस्या को आसानी से ठीक किया जा सकता है। मेरी हर बार की वीडियोस की तरह मैं आज भी आपको कुछ चुनिंदा आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बताऊंगी, जिसको खास तौर पर खांसी को ठीक करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। सीतोफलादि चूर्ण, अकरकरा, अडूसा और वसाकोट, ये 4 उन औषधियों के नाम हैं जिसका खास तौर पर इस्तेमाल खांसी को ठीक करने के लिए ही किया जाता है। इसके अलावा आप फुलाए हुए सुहागे को शहद के साथ लें या फिर मुनक्के को मिश्री के साथ लें। यदि आप इन दोनों को लेते हैं तो ऐसा करने से खांसी में काफी राहत होती है। दोनों सामग्री अलग अलग है, आपको इन चारों को एक साथ नहीं लेना है। इसके अलावा आप 1 ग्राम हल्दी पाउडर को शहद में मिलाकर यदि लेते हैं तो ऐसा करने से भी आपको खांसी में काफी लाभ होगा। इसके अलावा यदि आप लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी खांसी की उत्तेजना को काफी हद तक कम कर देता है। तो मेरी आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ उन आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताया जिसका इस्तेमाल कर इस समस्या को आसानी से ठीक किया जा सकता है और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। यदि आप इनमें से किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि या फिर जड़ी बूटी को मंगाना चाहते हैं तो आप उसे paramanandayurveda.com के द्वारा मंगा सकते हैं। हमारी इस वेबसाइट के द्वारा आप किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि व जड़ी बूटी मात्र 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर तक पा सकते हैं। ऑनलाइन के साथ साथ आप ऑफलाइन तरीके से भी हमसे औषधियां मंगा सकते हैं।
उसके लिए बस डायल करें 999-000-4674 या फिर 999-000-5395। इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी औषधि के बारे में बताकर आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से हमसे औषधि मंगाने के लिए आपको हमें किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यानी कि परमानंद आयुर्वेद इस देश की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि आयुर्वेदिक औषधियों पे फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराती है। इतना ही नहीं, हम आपको सभी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों पे देते हैं डिस्काउंट, वो भी पूरे 10-15% तक का। और अब आप किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि को हमारे VIP ऑर्डर फॉर्म के द्वारा भी मंगा सकते हैं। आपको ये हमारा VIP ऑर्डर फॉर्म हमारी वेबसाइट के होम पेज पे मिलेगा। आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भविष्य में भी आयुर्वेद व आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानकारियां मिलती रहे। अगली बार मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई आयुर्वेदिक औषधि या फिर किसी बीमारी से जुड़ी जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आंचल है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका कोई भी रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड आपको किसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताता है तो उसे इस्तेमाल करने से पहले या ख़रीदने से पहले एक बार आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर सलाह ले लें कि वो आपकी उस बीमारी के लिए कारगर है या नहीं है, और या उसे किस डोज में लेना है या किस अनुपान के साथ लेना है, ताकि वो जिस बीमारी के लिए या जिस समस्या के लिए आप उस औषधि का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरीके से अपना असर आपके शरीर पे दिखा सके और किसी प्रकार से आपको नुकसान ना पहुंचाए। आजकल YouTube में भी बहुत सी वीडियोस अपलोड होती हैं जो कि किसी मेडिसिन या किसी हर्ब्स के लिए होती हैं, लेकिन ये है कि आप वीडियोस देखते हैं और उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर ले लें कि वो औषधि आपकी उस बीमारी के लिए है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर या शुगर का मरीज वीडियोस तो देख लेता है और बिना डॉक्टर से सलाह लिए वो मेडिसिन इस्तेमाल कर लेता है, बट ज़रूरी नहीं कि हर मेडिसिन ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट के लिए सेफ़ हो। आखिरी में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई भी औषधि इस्तेमाल करने से पहले अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर ले लें, और अगर आयुर्वेदिक चिकित्सक आपके नज़दीकी उपलब्ध ना हो तो आप परम आनंद आयुर्वेद पर कॉल करके चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं।